अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े की चीज़ ऑमलेट लेकर आए हैं, बहुत ही डिफरेंट शेप्स के हम बनाएंगे। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एग्स लेने, दो मोज़रेला चीज़ और चेटर चीज़ हमने 100 ग्राम्स ले लिए, जिसको हमने क्रश कर दिए। शेप्स लेंगे, आप कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ब्लैक पेपर लेंगे हम, और कैनो लीव्स लेंगे, और साथ ही थोड़ा सा हमने सॉल्ट लेने हस्ब जायका। इन सारी चीज़ों को हमने ऐड कर लेने। सबसे पहले हम एग को ऐड करेंगे, 2 eggs लेंगे हम इन 4 shapes को बनाने के लिए। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी एग की। इसके बाद हमने ऑरिगेनो लीव्स ऐड करने हैं, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसके अंदर। मैं इसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी, मुझे थोड़ा सा इसमें स्पाइसी लुक चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के हमने बहुत अच्छे से जो है इसको मिक्सअप करना है। चीज़ को हम बिल्कुल एंड में जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से बन गया है। अब हमने एक पैन लेंगे, देखिए थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिलीज ऐड की हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद। ये देखिए इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा हमने ऑयल लगाने। पैन हमने ये देखिए हल्का सा नीम गर्म करना है, क्योंकि एग को जैसे ही हम डालें तो वो नीचे से फौरन जो है वो सॉलिड हो जाए, अदरवाइज़ जो है ये शेप्स के अंदर से निकलता रहेगा। हल्की आंच हमने रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, लेकिन इसको इतना करेंगे कि ये देखें डलते साथ ही हमारा जो एग है वो सॉलिड हो जाएगा, सरफेस नीचे की सरफेस है, लेकिन इतना नहीं कि ये बिल्कुल जल जाए, क्योंकि हमने जब इसमें चीज़ डाल के इसको ढक के रखेंगे तो ये टाइम लेगा, चीज़ हमारी टाइम लेगी मेल्ट होने में, तब तक हमारा एग जो है वो भी कंप्लीट बन जाएगा। ये देखें इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आपने सारी शेप्स में ऐड कर देना है मिक्सचर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की शेप्स बन के रेडी होती हैं, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है बहुत प्यारा बन के रेडी होता है। ये देखें पैन हमारा गर्म था तो ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं निकला साइडों से। ये देखें थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐड करना शुरू करेंगे। चीज़ ऐड करने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढांप के पकाएंगे। ये देखें थोड़ी थोड़ी चीज़ डालनी है ताकि बिल्कुल बाहर बहे ना, इतनी ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे। अगर हमारी शेप्स का जो सांचा है वो थोड़ा सा अगर थिक होगा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमने शेप की साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें सारों में हमने इसी तरह चीज़ ऐड कर देनी है, और इसके बाद हमने इसको अच्छे से ऑरिगेनो ऐड करके हल्का सा हम इसको ढांप देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। और आंच आपने बिल्कुल लाइट रखनी है, क्योंकि हमारी जो आंच है नीचे से हमारा जो एग है वो आंच की वजह से जल जाएगा। ये देखें अब हमने इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए ढांप दिया है, और ये देखें हमारी चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गई और ये बन के रेडी हो गए हैं हमारा चीज़ ऑमलेट। देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी शेप्स बन के रेडी हुई हैं, और बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको शेप्स में से निकाल लेंगे और इसको आप इजीली सर्व कर सकते हैं। ये देखें हल्का सा ठंडा होने के बाद हमने निकाल लिए हैं, और ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी शेप्स हमारी बन के रेडी हुई हैं। आप चीज़ ऑमलेट को ऐसे भी बना सकते हैं, और बच्चों को ये बहुत ही प्यारी इसकी शेप लगती है। और हमने जो
चीज़ ऑमलेट रेगुलरली हम बनाते हैं वो भी हम बना के देखते हैं। ये देखें इसकी सरफेस भी बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हुई है, बिल्कुल भी जला नहीं है, और माशाल्लाह से ऊपर से इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। अब हम टू ऑमलेट्स को लेके सेम मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके बाद हमने इसको अच्छे से सरफेस पे फैला देना है। लेयर को हम ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, ये देखें ओवरऑल हमने अच्छे से फैलाने के बाद वन साइडेड इसको चीज़ ऐड कर देंगे, और इसको हमने फोल्ड कर देना है। इसको भी हम 5 to 7 मिनट्स के लिए बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर जो है वो चीज़ को मेल्ट होने देंगे। ये देखें हल्का सा हमने ऑरिगेनो इस पे ऐड कर दिए, हल्का सा ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी। इसके बाद हम इसको ये देखें अच्छे से फोल्ड करना है, एग बिल्कुल भी ना टूटे, और इसको हम ढांप देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आंच बहुत ज़्यादा कम रहेगी इन सारे प्रोसेस में ताकि हमारा एग जो है वो जले ना, उसका भी लाइट ब्राउन सा प्यारा सा कलर आए। ये देखें अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं और इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है, बहुत सिंपल सी बहुत इजी रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। अब इसको ये देखें तोड़ के भी मैं दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से चीज़ जो है वो हमारी सॉलिड हो गई है और लुक भी इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।